हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सीआरपीसी। और इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि आप सीआरपीसी की कोई भी चीज समझने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको फिंगर टिप्स पर होंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप सीआरपीसी को अच्छे से जान सकें और समझ सकें। इस वीडियो को हमने कंप्लीट रखने की कोशिश की है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली दो तरह के लॉज होते हैं, पहले होते हैं सब्सटेंटिव लॉज और दूसरे होते हैं प्रोसीजर लॉज। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीआरपीसी है वो है प्रोसीजर लॉज। प्रोसीजर लॉज की जरूरत इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो पिनिटिव मेजर्स दिए गए होते हैं सब्सटेंटिव लॉज में, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। पहले क्या हुआ करता था, जब ब्रिटिशर्स आए थे उस समय हमारे पास चलता था मोहम्मडन लॉ, और मोहम्मडन लॉ जो है वो इरेगुलर था प्रोविंसेस में और अलग अलग सिटी रेजिडेंसीज में। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स को फील हुआ कि हाँ भाई, यहाँ पे एक सिविल कोड यूनिफॉर्म, क्रिमिनल कोड होना चाहिए यूनिफॉर्म, जहां पर हम कैसे क्या डिक्लेयर करनी है चीजें, कैसे क्या पनिशमेंट देनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, उसके लिए चीजें की जाएं। तो उसके लिए उन्होंने निकाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सबसे पहले ये आया था 1850 से, इसकी कारवां चलता गया। लेकिन 1898 का जो कोड था वो 1973 से पहले वाला सबसे मजबूत कोड था, जो सबसे लंबे टाइम तक चला। उसके बाद जो हम आज यूज करते हैं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो कि एनेक्ट हुआ था। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 अप्रैल 1974 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो एनेक्ट किया गया था, यहां पर जो है वो पावर में आ गया था। उससे पहले आपके लिए जानने के लिए, जानकारी के लिए जरूर बता देना चाहेंगे कि केवीके सुंदरम कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आया था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहां कहां लगता है और कहां कहां नहीं लगता है। तो सीआरपीसी जो है वो पूरे इंडिया में लगती है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। जे एंड के में कौन सी प्रोसीजर कोड लगती है आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे जरूर देखना चाहूंगा, आपकी नॉलेज चेक करना चाहूंगा। अब ये जो है सीआरपीसी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है, यहां पर ये डायरेक्टिव प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कंपलसरी है और आपको इसी तरह से कोर्ट्स को फॉलो करना होता है, मजिस्ट्रेट को इसी तरह से फॉलो करना होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब इस इरेगुलरिटी को, कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर ये शायद कोर्ट को फॉलो ना किया जाए या फिर कोई और सिचुएशन फॉलो करनी पड़े, तो उसके लिए सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है कि कहां कहां कैसे कैसे सिचुएशन में अगर आप इरेगुलरिटीज आती हैं तो वहां पर ट्रायल विशिएट नहीं होगा। और 461 में दिया है कि कहां पर आने पर ऐसी रेगुलरिटीज ट्रायल विशिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, जो आपको पूरे टाइम में काम आएंगी और आगे व्यूज आती रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, याद रखने वाली बात यह है कि इसमें 484 सेक्शंस हैं और इसमें 37 चैप्टर्स में ये बटा हुआ है। हम एक एक चैप्टर को, एक एक सेक्शन को आपके लिए बताएंगे और आपको याद करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में याद नहीं होती तो दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, तीसरी बार तक आपको ये सारे सेक्शन प्रोविजन अच्छे से याद हो जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, नहीं तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अरेस्ट के बाद हो जाती है, एक आदमी को जब कस्टडी में ले लिया जाता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवन, जो हो जाता है वो आजादी हो जाती है। जैसे इस लॉकडाउन में हमारे लिए आजादी है, तो बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर आपको बेल मिल सकती है। अब जहां पर आपको बेल मिल सकती है वो हो गए बेलेबल ऑफेंस। तो जहां पर बेल नहीं मिलेगी वो कौन से ऑफेंस होंगे, वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि बेलेबल ऑफेंसेस जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं कि कौन कौन से बेलेबल हैं और कौन कौन से नॉन बेलेबल हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं चार्जेस, कि आपके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। अब कोई भी क्रिमिनल केस होगा तो उसमें चार्जेस लगेंगे। अब चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज होता है किसी भी हेड ऑफ नंबर ऑफ चार्ज, लेकिन वो एक से ज्यादा होना चाहिए। फिर आते हैं हम कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पे। कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए कि वारंट के बिना आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है कुछ केसेस में, और वारंट के बिना कुछ केसेस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे अगर आप रेड हैंडेडली मर्डर करते हुए पाए जाते हैं तो आपको वारंट के बिना भी अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर आपकी आइडेंटिटी हाइड करने पर भी आपको बिना वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आप मुझे जरूर बताइएगा कि किन किन केसेस में वारंट की जरूरत होती है और किन किन केसेस में वारंट की जरूरत नहीं होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है।
अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिट वाला रूल याद रखिए कि जहां पर नॉन की बात आ रही है वहां पर यस है, जहां पर नो है वहां पर यस है, और जहां पर यस है वहां पर नो है। इस चीज को याद रखिए, थोड़ा सा अपोजिट रूल है ये, तो उससे आपको याद रहेगा कि वारंट की जरूरत किसमें पड़ती है और किसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कॉग्निजिबल में वारंट की जरूरत नहीं है, नॉन कॉग्निजिबल में वारंट की जरूरत है। अब हम आते हैं कंप्लेंट पर। अगर कंप्लेंट ही नहीं होगी तो ना अरेस्ट होगा ना ही बेल होगी। तो कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट होती है कोई भी एलिगेशन ओरली या रिटन में जब आप देते हैं मजिस्ट्रेट को। अब उसके पीछे आपका वो रीजन ही होना चाहिए कि उस कोड के अंडर आप उसे प्यूनिटिव मेजर्स देना चाहते हैं, आपके कोई और रीजन हैं। अगर वो पर्सन नोन है या अननोन है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट ऐसी एलिगेशन देते हैं मजिस्ट्रेट को तो उसे कहते हैं कंप्लेंट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, यहां पर दो चीजें देखने को है कि पहली चीज ये है कि आप जो कंप्लेंट है वो दे रहे हैं राइटिंग में या ओरली में मजिस्ट्रेट को, और जो दूसरी चीज देखने वाली बात है कि आप जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट दे रहे हैं वो या तो आपका नोन हो सकता है या अननोन हो सकता है। जैसे चोरी के केस में अगर हम कंप्लेन करते हैं तो चोरी के केस में हमें पता नहीं होता है कि ये जो है वो नोन होगा या अननोन होगा। अब अगर आप जानते हैं चोरों को तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट को दी जाती है। अब उन केसेस में जिनमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है ऑफेंस को, लेकिन उन्होंने नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं किया होता है, तो ऐसे में जो पुलिस रिपोर्ट है वो भी मजिस्ट्रेट के पास जब जाती है तो वो भी कंप्लेंट का रूप ही मानी जाती है। ये एक एक्सप्लेनेशन है इसी सेक्शन के साथ, उसे भी कंप्लेंट के रूप में ही माना जाएगा। और जो पुलिस ऑफिसर है जो इंक्वायरी कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इंक्वायरी गलत शब्द है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वही यहां पर कंप्लेंट माना जाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं कि इस चीज के लिए यहां पर हाई कोर्ट्स हैं, हमारे सेशंस कोर्ट हैं, लेकिन कोई भी अगर फांसी की सजा दी जाती है तो वहां पर हाई कोर्ट की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये भी एक थोड़ा सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्षमा चाहूंगा, आपको कट देखने पड़ रहे होंगे लेकिन तबीयत थोड़ी देर साथ नहीं दे रही है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करता है अदर देन ट्रायल, उसे इंक्वायरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सीआरपीसी में, और आप ध्यान भी रखिएगा क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे सीआरपीसी में तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन होती है सारी प्रोसीडिंग उनको मिलाकर जो कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की गई है बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन दैट इज डेजिग्नेटेड और ऑथोराइज बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर कोई भी आदमी जो मजिस्ट्रेट ना हो लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसे डायरेक्ट किया हो करने के लिए। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो किसी भी कोर्ट में एविडेंस के लिए चल रही होती है, तो उन्हें कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब यहां पर लोकल ज्यूरिडिक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन क्या होती है? ज्यूरिडिक्शन होती है कि किस एरिया तक, किस जगह तक यहां पर कोर्ट या मजिस्ट्रेट की पावर एक्सटेंड करती है, उसे कहते हैं ज्यूरिडिक्शन। अब जैसे आप लक्ष्मण रेखा देखेंगे तो लक्ष्मण रेखा की ज्यूरिडिक्शन थी कि लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर की चीजें जो थी वो उसके ज्यूरिडिक्शन में थी। ऐसे ही मजिस्ट्रेट या कोर्ट के लिए होता है कि जो जो उस रेखा के अंदर आता है वो उसके लिए ज्यूरिडिक्शन होता है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमारी एक रह गई थी, वो थी ऑफेंस। कि ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ एट एनी एट दैट टाइम। अब यहां पर जैसे कोई भी एक्ट या ओमिशन, एक्ट तो होता है जो आपने काम किया है और ओमिशन होता है जो आप काम नहीं करते हैं या काम करने से रोकते हैं। अब कई केसेस में काम करना गुनाह हो सकता है, जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपने एक्सीडेंट कर दिया तो वो गुनाह है। अब अगर आप, कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आप काम ना करना आपके लिए गुनाह है, जैसे सर्विस जो है, ड्यूटी है किसी आदमी की, उसे ये काम दिया गया है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक तरह से ऑफेंस हो सकता है। अब ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है? ऑफिसर इंचार्ज वो होता है अबव द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल। ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पर देखने वाली कि किसी भी पुलिस स्टेशन में उस टाइम पर जो सबसे बड़ी रैंक का अधिकारी है अबव द रैंक ऑफ कॉन्स्टेबल, या फिर कॉन्स्टेबल को भी ऐसा बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए जो एक स्टेट की नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है, तो वो होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब प्लीडर कौन होता है? जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको वकील जो है वो बहस करते हुए मिलेंगे, तो जो हम बहस कहते हैं उसे प्लीडिंग कहते हैं, और उसको करने वाले को हम कहते हैं प्लीडर। तो प्लीडर कोई भी हो सकता है जो ऑथराइज पर्सन हो कोर्ट में प्लीड करने के लिए, यानी एडवोकेट्स, और अगर कोर्ट चाहे तो किसी और को, जैसे किसी नॉर्मल पर्सन को भी प्लीड करने के लिए ऑथराइज कर सकता है।
अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है जो रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर 173 सब क्लॉज 2 यहाँ पर सीआरपीसी के अंडर। पुलिस स्टेशन आप सभी जानते हैं पुलिस स्टेशन क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होते हैं जिन्हें अंडर सेक्शन 224 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइज किया जाता है और उन्हें यहाँ पर सरकार की तरफ से केस लड़ने होते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। समन केस और वारंट केस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए बच गई हैं। अब जब हम समन केस की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि जो केस वारंट केस नहीं है वो सभी केस समन केस हैं। तो और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा वारंट केस क्या है। तो वारंट केस वो केसेस होते हैं जहां पर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल या तो हो डेथ सेंटेंस से या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर जो उनका इम्प्रिजनमेंट है उसका टर्म जो है वो 2 साल से अधिक हो। यानी यहां पर 2 साल से अधिक के जो भी कैद आपको अगर सजा मिल सकती है किसी ऑफेंस के लिए तो वो होते हैं वारंट केस। उससे नीचे आ जाते हैं समन केस। तो यहां पर जब समन और वारंट को याद करने का तरीका ये है कि जब अगर समन मिलता है तो शायद आप अरेस्ट नहीं किए जाएंगे तो आप खुशी मना सकते हैं, लेकिन अगर वारंट आपके लिए इशू होता है तो आपके अरेस्ट किए जाने के चांसेस हैं। तो ये थे हमारे बेसिक्स थोड़े बहुत। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो हमने 37 चैप्टर्स की बात की थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि कहां पे क्या है कहां पे क्या नहीं है। अब जो 37 चैप्टर है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है शुरू का सेक्शन, क्योंकि उसमें आपको मिलती है प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस और वो कंस्टिट्यूट करता है सेक्शन 1 से सेक्शन 5। अब सीआरपीसी जब बनाई गई थी तो सीआरपीसी इसी तरह से बनाई गई थी कि सेक्शन जो पहला जो चैप्टर बनाया गया था उसमें उन्होंने सारी डेफिनेशन दे दी। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई कोर्ट्स वगैरह भी बनाने हैं, अब कोर्ट्स नहीं होंगे तो फिर कहां पे यहां पे ये चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी, तो कोर्ट्स बनाए गए। इसीलिए चैप्टर 2 में आते हैं आपके कोर्ट्स जो आते हैं सेक्शन 6 से सेक्शन 25। फिर कोर्ट तो बना दिए लेकिन उनको पावर्स कौन देगा? अगर उनके पास पावर ही नहीं है, अगर मेरे पास पावर ही नहीं है तो मेरे को जिम जाने का फायदा क्या है? तो उन्हें जिम जाने के लिए पावर देने के लिए चैप्टर 3 बनाया गया जहां है सेक्शन 26 से 35 जहां पे उनकी पावर्स बताई गई है। फिर अब कोर्ट्स हैं लेकिन कोर्ट्स को हेल्प करने के लिए कौन है? तो कोर्ट्स को हेल्प करने के लिए यहां पर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट हैं, तो उनकी पावर्स बताई गई है चैप्टर 4 में। अब पावर उन्हीं पर तो एग्जीक्यूट होंगी जो लोग पकड़े जाएंगे। अब अगर लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे तो पावर्स किस पर एग्जीक्यूट होगी? तो चैप्टर 5 है अरेस्ट ऑफ पर्सन पे जो है सेक्शन 41 to 60। चैप्टर 6 जो अगला आ जाता है उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं शरीफ और कई लोग होते हैं ढीठ। तो शरीफ लोग तो फिर भी आ जाएंगे कोर्ट, जो ढीठ लोग हैं वो कोर्ट तो आएंगे ही नहीं, तो उनकी जो अपियरेंस है उनको कंपेल करने के लिए कंपलसरी करने के लिए चैप्टर 6 बनाया है जो है सेक्शन 61 से 90। अब चैप्टर 7 क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास ही हमारे खिलाफ सबूत होते हैं। अब मान लीजिए मेरे खिलाफ मेरे पास ये सबूत है तो मैं उसको प्रोड्यूस क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो प्रोड्यूस करूंगा तो उससे मुझे सजा हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ऐसे सिचुएशन के लिए भी सीआरपीसी में जो प्रोविजन डाले गए थे वो थे चैप्टर 7 में और वो है सेक्शन 91 से सेक्शन 105। साथ साथ 7A जो है वो इंसर्ट किया गया था जिसमें रेसिप्रोकल अटैचमेंट है, अरेंजमेंट है एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, ये आपको रखना है। उसके बाद चैप्टर 9 आ जाता है। चैप्टर 9 में कहता हूं मुझे जो बहुत अच्छा लगता है जो है ऑर्डर टू मेंटेन वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये आ जाता है आपका सेक्शन 125 से 128। सेक्शन 125 सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदू लॉ में भी इसका जिक्र हुआ है। चैप्टर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ये आ जाता है आपका 129 से 148 के बीच में। अब इन सब के बाद चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। अब पुलिस के पास कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, उसकी सारी जो चीजें दी गई है वो चैप्टर 12 में दी गई है 154 से 176 में। चैप्टर 13 जो है वो है ज्यूडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल 177 से 189 तक। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं चाहिए होती है, कंडीशन चाहिए होती है, वो दी गई है चैप्टर 14 में जो है 190 से 199। चैप्टर 15 है, अब आप अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करेंगे तो मजिस्ट्रेट कैसे एक्शन लेगा, अब वो है 200 से 203 तक।
उसके बाद जब मजिस्ट्रेट एक्शन लेगा तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। तो कैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, वो होगी चैप्टर 16 में, जो है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट 204 से 210 में। अब जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके खिलाफ चार्जेस बनाए जाएंगे। अब चार्जेस बनाने के लिए कोई सेक्शंस तो चाहिए ही, तो चैप्टर 17 में है चार्जेस 211 से लेकर 224 तक। उसके बाद जब आपके पास चार्जेस बने जाएंगे तो उसके बाद आपका ट्रायल होगा। ट्रायल के लिए, सेशंस के सामने ट्रायल के लिए चैप्टर 18 है 225 से 237 तक। चैप्टर 19 है ट्रायल ऑफ वारंट। चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ समन्स। अब छोटे मोटे केस होते हैं वो जल्दी सुलझाने चाहिए, इसीलिए चैप्टर 21 का इंक्लूजन किया गया था। जो है समरी ट्रायल्स, जो है 260 से 265। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर बाहरी समझौते से भी चीजें खत्म कर दी जाती हैं, तो उसको इंसर्ट किया गया था चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग, जो है 265A से 265L यहां पर। इसके बाद जो चैप्टर बच जाते हैं, अब लोग अरेस्ट हो गए हैं लेकिन उनको पुलिस कैसे लाएगी प्रिजन से, उसके लिए जो चैप्टर बनाया गया है वो चैप्टर 22। चैप्टर 23 में बात की गई है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स की। चैप्टर 24 में आपकी बात की गई है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब 25 में अगर मान लीजिए जो आपका अक्यूज्ड है वो यहाँ पर पागल है, तो फिर पागल से इन द सेंस यहाँ पर अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड है। सिर्फ पागल शब्द को, टर्मिनोलॉजी को ना देखा जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अनसाउंड माइंड वाले पर्सन कौन से होते हैं। यहाँ पर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो है चैप्टर 25 में। चैप्टर 26 में है कि प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो खुद ही जो है वो इस प्रोसीडिंग्स को खराब करने में लग जाते हैं, जैसे विटनेसेस को धमकाना या फिर कई ऐसे चीजें हो सकती हैं जो प्रोसीडिंग्स को खराब कर सकती हैं। इसके लिए चैप्टर 26 दिया गया है, जो है सेक्शन 340 से 352। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट देता है जजमेंट, जो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जजमेंट है 353 से 365। चैप्टर 28 की हम बात करते हैं, वहां पर होता है जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी डेथ सेंटेंस अगर सेशंस कोर्ट देता है तो हाईकोर्ट की कंफर्मेशन होती है, वो चैप्टर 28 में दिया गया है। अब अगर आप सेशंस कोर्ट या लोअर कोर्ट के डिसीजन से कुछ नहीं है तो आप अपील में हमेशा जा सकते हैं। वो कहा जाता है कि यहाँ पर हार कभी नहीं होती, या तो जीत होती है अपील होती है, तो अपील है 372 से 394 चैप्टर 29 में। उसके बाद आपके अपील से पहले आपके पास है रेफरेंस और रिवीजन का ऑप्शन, वो चैप्टर 30 में है। अब क्रिमिनल केसेस हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, चैप्टर 31 में। 32 में है एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रेमिशन, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। ये थोड़ी आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये फिर भी थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 33 आपके लिए, जो है प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, जहां पर सेक्शन 436 से 450 आते हैं। एंटीसिपेटरी बेल कौन से सेक्शन में आती है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैप्टर 34 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। चैप्टर 35 है जो हम बात कर रहे थे इररेगुलर प्रोसीडिंग, सेक्शन 460 और 461 की हमने बात की थी। चैप्टर 36 है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। और चैप्टर 37 है लास्ट में मिसलेनियस। तो यहां पर हमने सीआरपीसी लगभग पूरी कर ली है, आखिरी में थोड़ा हमने जल्दी की, लेकिन वो इसलिए की क्योंकि वो आपको दो या तीन या चार बार आप जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो अपने आप दिमाग में आने लग जाएगी, आपके एक दिमाग में ऑर्डर एक अरेंजमेंट बन जाएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि चीजें किस हिसाब से जा रही है और किस हिसाब से नहीं जा रही है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो सीआरपीसी के लिए। सीआरपीसी अगर आपको हार्ड लगती है तो शायद अब आपको नहीं लगेगी, पढ़ने में आसानी होगी। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे टैकल करना है इस सीआरपीसी को। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगली वीडियो में जल्दी मिलिएगा। भारत माता की जय।